2022 में कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहदा खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा देखा गया है। मुल्क में दो साल के दौरान दहशत गर्दी के 1,560 वाकयात हुए। जनवरी में वजारत दाखिला ने मई 2022 से अगस्त 2023 तक मुल्क में दहशत गर्दी के होने वाले वाकयात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में पेश की, जिनके मुताबिक मुल्क में दो साल के दौरान दहशत गर्दी के 1,560 वाकयात हुए। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखने वाले 593 और 263 शहरी शहीद हुए। मजीद बताया गया कि दहशत गर्दी के वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेज के 1,365 एहलकार और 773 दीगर अफराद जख्मी हुए। वजारत दाखिला की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दहशत गर्दी के 736 वाकयात हुए, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के 227 एहलकार और 97 दीगर शहीद हुए, जबकि 520 एहलकारों के अलावा 401 दीगर अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यकम अगस्त 2023 में मुल्क में दहशत गर्दी के 824 वाकयात हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के 366 एहलकार और 166 दीगर अफराद शहीद हुए, जबकि 845 एहलकार और 372 दीगर अफराद जख्मी हुए।